दिल्ली कई पत्रकारों ने, कई लोगों ने हमसे पूछा कि जैसे अन्य राज्यों का बोर्ड है वैसे ही आपका भी बोर्ड होगा, आपने भी अपना, दिल्ली एक राज्य है तो दिल्ली में ने अपना शिक्षा बोर्ड बना लिया। आज आपको मैं एक बहुत अच्छी खबर दे रहा हूँ कि दिल्ली के शिक्षा बोर्ड ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोर्ड है, जैसे एक हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड है, केंद्र सरकार का अपना एक शिक्षा बोर्ड है, ऐसी एक इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा बोर्ड है जिसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं। ये इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड जो है ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है, बहुत अच्छा माना जाता है। सभी बड़े बड़े स्कूल जो हैं दुनिया भर के, हमारे देश के भी जो बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका ये सपना रहता है कि हमें किसी भी तरह से इंटरनेशनल बोर्ड की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो इंटरनेशनल बोर्ड है जिसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं, ये जो शिक्षा देता है ये इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा देता है। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी, इसको आईबी कहते हैं, आईबी जो है इसके 5,500 स्कूलों के साथ समझौते हैं, 159 देशों में काम करता है ये, 159 देशों के अंदर उनके स्कूलों के साथ इनके समझौते हैं, कुछ देशों की सरकारों के साथ इनके समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के, जैसे अमेरिका, कनाडा, स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, बड़े बड़े विकसित देशों के साथ इनके समझौते हैं। तो आज खुशी की बात यह है कि हमने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इंटरनेशनल बोर्ड के साथ समझौता हुआ है। अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है इसके तहत जितने स्कूल आएंगे उन सभी स्कूलों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिला करेगी। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे देश के अंदर हम जानते हैं कि दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के बच्चों के लिए, एक पैसे वालों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी, पूरे देश के अंदर यही हाल है, लेकिन दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है सरकारी स्कूलों में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बहुत अच्छी की है, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करवाई है और आज सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आने लगे हैं। आज इस करार के बाद अब हमारी दिल्ली के गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, जिस शिक्षा के लिए बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तरसते हैं वो शिक्षा हमारे गरीब बच्चों को, दिल्ली के गरीब बच्चों को मिला करेगी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है इसके साथ आज जो करार हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत जितने भी स्कूल आएंगे, उसमें प्राइवेट स्कूल भी होंगे, प्राइवेट स्कूल भी इससे एफिलिएट हो सकते हैं हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, सरकारी स्कूल होंगे सारे, अभी 30 स्कूलों से इसको शुरू किया जा रहा है, उन स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स करवाएंगे। इन स्कूलों के अंदर उन बच्चों का असेसमेंट कैसे होगा ये इंटरनेशनल बोर्ड डिसाइड करेगा, उनकी गाइडेंस के अंदर और उनकी देखरेख के अंदर असेसमेंट की प्रणाली तय की जाएगी। इनके विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे जो हर स्कूल के अंदर जाएंगे और हर स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे, हर स्कूल का वेरिफिकेशन करेंगे, हर स्कूल का सर्टिफिकेशन करेंगे कि इस स्कूल के अंदर क्या-क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाए ताकि ये स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके।
तो मुझे बेहद खुशी है कि एक तरफ जहां देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, वहीं एक बहुत बड़ी आशा की किरण जागी है कि अब हमारे ये दिल्ली से शुरुआत है, दिल्ली के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलनी चालू होगी, हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट करने के लायक बनेंगे। और हमेशा से हम इस बात में यकीन रखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक पीढ़ी के अंदर हमारे देश की गरीबी दूर कर सकती है। हमारे बच्चे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कंपीट करेंगे तो दिल्ली से भी गरीबी दूर होगी, और ये मॉडल पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा, हमारे देश से भी गरीबी दूर होगी। नमस्कार।